न्यूज़मैक्स में आपका स्वागत है। अपने आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की। जब से तिवारी हत्याकांड सामने आया है, विवेक तिवारी हत्याकांड सामने आया है, तो उसके बाद से पुलिस कांस्टेबल की जो फोर्स है उत्तर प्रदेश की, उसमें बगावत की बू नज़र आ रही है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आए थे सिपाही, और काली पट्टी बांध करके, हाथों में काली पट्टी बांध कर, बाहों में काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज कराया था, जिसके बाद योगी की नाराज़गी के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया था, जिसके बाद कई कांस्टेबल ने रिज़ाइन भी दे दिया। अब एक ताज़ा मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के मेरठ के इंटेलिजेंस विभाग के एक ऑफिसर जो एसपी हैं, उन्होंने एक ख़त 9 ज़िलों के पुलिस अधिकारियों को एक ख़त लिखा, एक लेटर लिखा है, जिसमें उनको चेताया गया है कि 10 तारीख को फिर से विरोध हो सकता है, यानी 10 अक्टूबर को फिर से विरोध हो सकता है, जिसको लेकर 9 ज़िलों के आला पुलिस अधिकारियों को एक खुफिया लेटर लिखा गया है, जिसके ऊपर जो शीर्षक दिया गया है वो है अति गोपनीय, यानी कॉन्फिडेंशियल। इस लेटर में ये बताने की कोशिश की गई है कि जो तिवारी है, जो प्रशांत है कांस्टेबल, जिसको विवेक तिवारी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसने गोली चलाई थी विवेक तिवारी के ऊपर, उसकी पत्नी ने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें यह कहा गया है कि कांस्टेबल 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को, जहां पर भी हैं, चाहे वो थाने में तैनात हैं, चाहे वो रोड पर ट्रैफिक की ड्यूटी निभा रहे हैं, या वो फील्ड में हैं, अपनी बीट पर हैं, तो उनको करना यह है कि वो पुलिस की वर्दी में ज़रूर रहें, काली पट्टी बांधें, और उसके बाद अपनी ड्यूटी को ना निभाएं। यानी अगर वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, रोड पर खड़े हुए हैं, ट्रैफिक के देख रहे हैं, तो वो सिर्फ खड़े हो जाएं जा करके, और जो ट्रैफिक जो चल रहा है वो सुचारू रूप से चलता रहे, जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे, अगर कहीं जाम लगता है तो उसको खुलवाने की कोशिश ना की जाए, या अगर लाल बत्ती काम नहीं कर रही है तो वहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट करते हुए, ट्रैफिक चलाते हुए कोई नज़र ना आए। इस तरह की एक अपील जो प्रशांत कांस्टेबल है उसकी पत्नी के जरिए की गई है। इसके साथ ये कहा गया है कि अगर थाने में कोई मामला आता है तो उस पर ध्यान ना दिया जाए, उसको ना देखा जाए, विरोध दर्ज कराया जाए। तो ये जो वीडियो वायरल किया गया है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के जो मेरठ के हैं आरपी पांडे जी, जो इंटेलिजेंस में एसपी हैं मेरठ में, उन्होंने ये खत जो है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के आला अधिकारियों को लिखा है। अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर पुलिस फोर्स किस सिमत जा रही है। जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं, जहाँ जहाँ पर बीजेपी काम कर रही है, वहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि हालात काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। आखिर इन सिपाहियों को कहाँ से बल मिल रहा है, कहाँ से इनको ऑक्सीजन मिल रहा है कि वो आला अधिकारियों की मुखालफत करते हुए नज़र आ रहे हैं, आला अधिकारियों के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। आला अधिकारी उनको वार्निंग दे रहे हैं, उनको सतर्क कर रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि अगर तुम इस तरह की हरकत करते हो तो तुम्हारे खिलाफ विभागीय एक्शन लिया जाएगा। उसके बावजूद सिपाही लेबर तक के लोग जो है वो अपना विरोध दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर काफी सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर पुलिस फोर्स को क्या हो गया है, क्यों पुलिस अधिकारियों के आउट ऑफ कंट्रोल ये फोर्स चली जा रही है। यहां तक के आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा आरआरकी जो है पुलिस के अंदर, पुलिस फोर्स के अंदर नजर आती है। अगर कोई आईपीएस ऑफिसर है तो उसके सामने इंस्पेक्टर की भी औकात नहीं होती, या एसपी तक की अगर एसएसपी है तो एसपी की भी औकात नहीं होती कि वो अपने आला अधिकारी के सामने बैठ जाए। लेकिन इन लोगों को कहां से ऑक्सीजन मिल रही है? एसएसपी जो आईपीएस लेवल का ऑफिसर होता है, या उसके अलावा ऊपर जो डीजी डीआईजी उस लेवल के ऑफिसर्स की भी बात एक सबसे निचले लेवल का पुलिसकर्मी यानी सिपाही, वो भी बात मानने को तैयार नहीं है। तो पूरी तरह से जो सिस्टम है उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस का
ये जो सिस्टम है वो कहाँ जा रहा है, क्यों आउट ऑफ कंट्रोल उत्तर प्रदेश पुलिस होती जा रही है, क्यों अपने अधिकारियों की नहीं सुन रही है। एक्शन लिया जा रहा है अधिकारियों के जरिए, लेकिन जब लिया जाता है, जब मुख्यमंत्री अधिकारियों की बैठक करते हैं और उसके बाद उनको बताते हैं कि देखिए इस तरह से पूरा मामला हो रहा है, उसके बाद अनफन में जब मीटिंग खत्म होती है, अधिकारी आते हैं, ऑर्डर दिया जाता है, कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, कुछ लोगों को ऊपर कार्रवाई की जाती है, कुछ लोगों को ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद, इन सब एक्शन के बावजूद, पुलिस के जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो इन सब चीजों को कई मानों से देखा जा रहा है कि सियासी तौर पर जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल पिछले 1.5 साल से उत्तर प्रदेश में देखने में आ रहा, जब से योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री बने हैं, और एनकाउंटर की जो बौछार आई है, और एनकाउंटर में जिस तरह से इल्जाम लग रहे हैं पक्षपात के एक विशेष वर्ग को, दबे कुचले लोगों को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, और फेक इनकाउंटर का एक खेल उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, जो अपर कास्ट के पुलिसकर्मी हैं वो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं ताकि उनका प्रमोशन हुआ, आउट ऑफ कटरम प्रमोशन हो और उनके इंक्रीमेंट हो। इन सब चीज़ों को लेकर जो एक प्रशासन के ऊपर जो दबाव होना चाहिए था, जो पुलिसकर्मियों के ऊपर दबाव होना चाहिए था आला अधिकारियों का, वो पूरी तरह से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से अतरौली में देखने में आ रहा है कि किस तरह से पुलिस विभाग पूरी तरह से जो हिंदुवादी संगठन हैं उनका साथ देते हुए नज़र आते हैं। जब भी वहाँ पर कोई विजिट के लिए पहुँचता है, जो दोनों लड़कों का जो एनकाउंटर हुआ था उनके घर पर जब कोई पहुंचता है उनसे मिलने के लिए, उनके हालचाल जानने के लिए, तो वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो हिंदू गूंज को यानी गुंडों को बुला लेती है, और उसके बाद तमाशा खड़ा किया जाता है। जो वहाँ पर पहुँचा है उसके ऊपर हमला किया जाता है, पुलिस तमाशाई बनी बैठी रहती है, पुलिस देखती रहती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, यहाँ तक कि गाड़ियाँ तक तोड़ी जाती हैं, कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं, उनके ऊपर हमला किया जाता है, उनको ज़ख्मी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस बिल्कुल मूक दर्शन बनी नज़र आती है। मूक दर्शक बनकर देखती है, लोग कहते हैं अरे भैया बचाइए, पुलिस वालों से गुहार लगाते हैं। कल जिस तरह से पंखुड़ी पाठक के साथ जो पूरा मामला सामने आया, उसमें किस तरह से वो वीडियो के सामने, कैमरे के सामने पुकारती हुई नजर आई, मदद के लिए पुकारती नजर आई, और ये कहती हुई नजर आई कि पुलिस भैया, पुलिस वाले भैया हमारी मदद करो, लेकिन उसके बावजूद पुलिस का कोई कर्मचारी वहां पर नहीं पहुंचा। या उससे पहले जिस तरह से यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की टीम वहां पर पहुंची थी, थाने में जब बात की जा रही थी, अतरौली थाने के एसओ ने गुंडों को फ़ोन कर दिया और हिंदुवादी संगठन के लोग वहां पर पहुंच गए और थाने का घेराव कर लिया, किसी तरह से लोग अपनी जान बचाकर भागे। उससे पहले एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई, एक और पत्रकार के साथ, एक अखबार के पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई। यानी वहाँ पर जिस तरह के हालात पैदा किए गए हैं पुलिस के ज़रिए, जिस तरह से छूट दी जा रही है योगी आदित्यनाथ के प्रशासन के ज़रिए कि आप जो चाहो करो, जिसका चाहो इनकाउंटर करो, जिसको चाहो मारो, तो इन सब चीज़ों से हालात बेकाबू होते नज़र आ रहे हैं और पुलिस आउट ऑफ द कंट्रोल होती नज़र आ रही है, जिसको लेकर ये पूरी सतर्क जो है जारी किया गया है। और सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर बीजेपी शासित राज्यों में पुलिस और हिंदुवादी संगठन की मिली भगत से कानूनों को अपने हाथ में लिया जा रहा है, जो चाह रहे हैं कर रहे हैं, उनके दबाव में जो किया जा रहा है वो हो रहा है। जिस तरह से राजस्थान में हमने कोशिश की थी बताने की कि किस तरह से एक डॉक्टर के ऊपर हमला किया जाता है, मीनार तोड़वाई जाती है, पुलिस उनका पूरा साथ देती है, डॉक्टर जब FIR करता है पुलिस एक्शन लेती है, दो लोगों को हिरासत में ले जाता है, लेकिन हिंदुवादी संगठन वहाँ पर हज़ारों की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद जो आरोपी हैं उनको छुड़ा कर ले जाने में वो कामयाब हो जाते हैं। तो पूरी तरह से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, कानून को अपने हाथ में लिया जा रहा है, पुलिस उनका साथ दे रही है। तो इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह होगी कि अगर वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई, वक्त रहते इनको इनको इनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया, इनको कंट्रोल नहीं किया गया, तो हालात और बस से बदतर होते चले जाएंगे और कानून व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त होकर रह जाएगी। और जिस तरह से ये लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार बार सवाल खड़े कर रही है और लिंचिंग को लेकर राष्ट्रीय सरकारों के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि राज्य सरकार एक्शन नहीं लेती, राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करती, उसके बावजूद राज्य सरकार कोई ऐसा एक्शन लेती हुई नज़र नहीं आती है। जब इस तरह के कोई मामले सामने आते हैं, पुलिसकर्मी कोई ऐसा एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आते हैं। आला अधिकारियों से अगर किसी मामले को लेकर बात की जाती है तो वो निचले अधिकारियों को, निचले लेवल के ऑफिसर को, एसओ लेवल के ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उसके बावजूद आरोपियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो हिंदुवादी संगठन से ताल्लुक रखते हैं और कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल पुलिस किसी ना किसी तरह से करती है। जिस तरह से अतरौली में सामने आया कि वहां के SSP खुद जो है
पूरी कमांड कर रहे थे, जब एनकाउंटर हो रहा था उसको कैमरे में कैद किया गया, मीडिया के सामने यह एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, उसमें कई खामियां नजर आई, किस तरह से वो बोलते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि कैमरा देख करके गोली चलाओ। तो कहीं ना कहीं ये पूरा ड्रामा चल रहा था जिसको पूरी तरह से जग जाहिर है। दोनों लड़कों के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो क्रिमिनल थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई पुराना मामला नहीं है। हाल ही के कुछ मामलात हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो फरार चल रहे थे, उनके मालिकों से बात हुई है, उनका यह कहना है वो फरार नहीं चल रहे थे बल्कि वो उनके यहाँ रोजाना काम करते थे। जिस दिन एनकाउंटर हुआ है उस दिन भी वो काम से लंच पर अपने घर पर आए थे और खाना खा रहे थे। तो ये जो जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, इसी को लेकर समाज में काफ़ी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। समाज इसके ऊपर एक सोच रहा है और बात कर रहा है, टिप्पणी कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि अगर इस तरह के हालात पैदा होंगे तो हमारी हिफाजत कौन करेगा जब पुलिस खुद गुंडागर्दी पर उतर आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा सोचने का सवाल है जिस पर हम तो सोच ही रहे हैं, लेकिन इस पर सरकारों को सोचना होगा, योगी आदित्यनाथ को सोचना होगा, उनके आले अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को सोचना होगा कि एक्शन लेने के बावजूद पुलिस आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रही है, क्या कारण है और किस तरह से इसको ख़त्म किया जा सकता है। इन सब चीज़ों पर काम करना होगा। शुक्रिया, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब तक ये मैसेज पहुँच जाए। धन्यवाद।